बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज हम बनाने लगे हैं नूडल और मैक्रोनीस चिकन वाले, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही अमेजिंग होते हैं। आज शुरू करते हैं कैसे तैयार करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हम ये मैक्रोनी का सामान पहले से रेडी करके रखा हुआ है। ग्रीन चिली कटिंग करके रखी है, एक अदद बड़े साइज़ का प्याज मोटी अदद में ये तैयार करके कटिंग करके रखा हुआ है, चॉप की हुई लहसुन, और ये मैंने मैक्रोनी और थोड़े से आलू, ठीक है, उबाइल किए हुए हैं, ये भी चिप्स टाइप। साथ मैंने चिकन बिल्कुल बारीक चॉप करके इसको छोटी छोटी बाइट्स इसकी तैयार करके रखी हुई हैं। साथ ही ये मैंने नूडल उबाइल करने के लिए रखी हुई हैं। इनको नूडल और मैक्रोनी दोनों तैयार करेंगे, बहुत ही मज़े की बनती है डिशेज़, और ये बहुत ही आसान है, मुश्किल भी नहीं है। आए शुरू करते हैं कैसे तैयार करना है। ऑयल इसमें शामिल कर लिया है, ठीक है, जो हद पे ज़रूरत मैंने लहसुन चॉप करके तैयार करके रखा हुआ है इसमें शामिल करूँगी। इसको मैं अब हल्का सा फ्राई करूँगी, हल्का सा फ्राई करने के बाद इसी के अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी, ठीक है। चिकन ही साथ ऐड करने लगी हूँ, इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद जैसे कि ये बिल्कुल इसका ब्राउन कलर आ चुकेगा, ब्राउन कलर आ जाएगा चिकन का भी, ठीक है। इसको अभी से फ्राई करना है, फ्राई इतना करना है जो इसका कलर चिकन का ब्राउन हो चुके। ये चिकन मैंने अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, अभी ये ब्राउन बिल्कुल नहीं हुआ, इसको ब्राउन और करना है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का कलर बिल्कुल ब्राउन आ चुका है। तो इसमें अब मैं शामिल करूँगी दूसरे मसाले, ऐड करती हूँ। पहले तो कटी हुई प्याज इसमें शामिल करूँगी, सात सबज मिर्ची, इसको भी ज़रा थोड़ा सा कलर ब्राउन ले आऊँगी प्याज़ों का भी। ये देखें मैंने इसको भी अच्छे से फ्राई किया है, फ्राई करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ क्या मसाले ऐड करने हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को फॉलो करें, कमेंट्स में बताया करें आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। मैं इतना भी जानती हूँ मेरी मिस्टेक भी बहुत होती हैं, वीडियो भी मैं बनाने में फुल माहिर नहीं हूँ, उम्मीद है, पर मैं जैसे आप लोग बनाते हो पर मैं भी इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियो बनाना शुरू हो जाऊँगी, एक दिन अल्लाह मुझे भी कामयाब करेगा। पर मुझे अभी सब बहन भाइयों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मेरा चैनल अभी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें मैंने इसमें नमक, रेड चिली पाउडर, साथ चाट मसाला जो किन्नौर का अपना मसाला होता है नूडल्स का, वो मसाला ऐड करूँगी, साथ इसमें मैं केचप ऐड करती हूँ, ठीक है। सब ये मसाले इसमें ऐड करती हूँ। साथ ये चिली गार्लिक किन्नौर की केचप ऐड करूँगी इसमें। ये देखें तकरीबन मसाला इसका रेडी हो चुका है, इसी के अंदर मैं शामिल करती हूँ मैक्रोनी जो बॉइल करके रखी है ये, ठीक है। ये देखें मैंने नूडल भी इसमें शामिल कर दी हैं, साथ मैक्रोनी भी, इसको अच्छे से हम हिलाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नूडल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नूडल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को फॉलो करें, कमेंट से बताएं आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किन्नौर नूडल मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को फॉलो करें, कमेंट्स में बताएँ, मुझे दुआओं में याद रखा करें, अपना ख्याल रखें और मेरे लिए भी दुआ किया करें। जल्दी ही इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।